36 इंच का बॉम्बे कट ब्लाउज, जिसे टू पीस भी बोलते हैं। इसके लिए हमें शोल्डर चाहिए, हम 12 लिए हैं। चेस्ट 36 है, कमर या वेस्ट आपका 32 है, फुल लेंथ है 15 एंड हाफ, हाथ की लंबाई आपका 5 है और मोहरी आपका 12 है या हाथ की गोलाई। इसको पहले हम मैथ्स बना लेंगे, 12 है तो 12 का हाफ कर देंगे शोल्डर जो है, तो वो 6 होगा। 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 आएगा, उसमें प्लस करेंगे 1 एंड हाफ तो 10 एंड हाफ हो जाएगा। इसी तरह 4 से 32 कमर को भी डिवाइड करेंगे तो 8 आया, प्लस किए 1 एंड हाफ तो 9 एंड हाफ हो गया। लेंथ में भी हम 1 इंच जोड़े, इस तरह हाथ में भी, हाथ की लंबाई में भी 6 जोड़ दिए, गोलाई है उसका आधा करके उसमें भी 1 इंच जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाएंगे कपड़े पे कैसे वो देखिए। हम लोग लेंथ, फुल लेंथ लेंगे तो हमारा है 15 एंड हाफ, प्लस हम किए ऐड 1 इंच, तो यहाँ से हम लगा लिए 15 एंड हाफ पे, यहाँ एक लगाएं, फिर यहाँ जहाँ आया 15 एंड हाफ पे ये लगा लिए। ठीक है, उसके बाद हम मोड़ने के लिए 1 इंच ऐड किए हैं, और चूंकि बॉम्बे कट ब्लाउज है इसमें हमारा नीचे पट्टी में एक्स्ट्रा 1 इंच जुटता है, तो ये 1 इंच इसमें भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके शोल्डर लेंगे इसके बाद, तो हमारा शोल्डर है आपका 6 इंच, तो हम लोग यहाँ पे 6 इंच ऐसे ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक लाइन होता है 2.5, तो यहाँ 2.5 इंच ऐसे लगा ली। इसमें मेरा बैक और फ्रंट दोनों हम बना रहे एक साथ, फिर आर्म होल बनाएंगे तो ये 6.5 हम लेते हैं। ये आपका 6.5 हो गया आर्म होल। ठीक है, इसके बाद चेस्ट, चेस्ट हमारा यहाँ पे आया है 10 एंड हाफ, तो हम लोग ये 10 एंड हाफ यहाँ ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा दिए। फिर हमारा वेस्ट या कमर कितना है ये हम लोग लगा देंगे, 8 है, 9.5 है, तो 9.5 हम यहाँ ऐसे लगा दें। ठीक है, देखिए तो ये एक लाइन खींच दी, ये हमारा ब्लाउज तैयार होगा। फिर 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे मोड़ने के लिए, और चूंकि ये बॉम्बे कट ब्लाउज है इसका नीचे हम लोग का बढ़ जाता है 1 इंच, ये हम सीधे लगा लिए ऐसे। ठीक है, अब इसे हम 9.5 जहाँ आया है यहाँ दाग लगाते जाइए ऐसे। ठीक है, और इसे ऐसे मिला देंगे। ये मिला दिए, फिर इसी आर्म होल को बनाएंगे जो 6.5 है उसका हाफ करिए तो 3.2 होगा, ये हम लगा देंगे, ये 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, फिर ये ऐसे एक आप बाहर से लगाइए और ये किसी में अंदर से 1/2 इंच से। ये हो गया आपका बैक पोर्शन, ये फ्रंट दोनों एक ही में कट रहा है, ये बैक है ये फ्रंट हमारा। यहाँ शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/2 इंच, इसे ऐसे
मिला देंगे। ठीक है, नेक लाइन बना लेंगे। हमारा फ्रंट है 6 इंच, ये इसे ऐसे बना लेंगे फ्रंट को। ये हो गया। अब प्लेट लगाएंगे। प्लेट कैसे लगाएंगे वो देखिए, हम लोग इसमें प्लेट लगाएंगे। जैसे नेक लाइन 6 है, यहाँ 6 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक 3 इंच पे लगाइए प्लेट, यहाँ से यहाँ 3.5 पे लगाइए, ठीक है ऐसे, और यहाँ से 3, इधर से 3 और यहाँ से 3.5, ठीक है। और यहाँ हम लोग 3 लिए हैं तो 3 नहीं 4 पे लगेगा एक ऐसे, और 1 इंच यहाँ से नीचे जाते हैं हम लोग ऐसे, और इसे मिला देंगे। ठीक है, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, जैसे देखिए ये है, तो 1/2 इंच इधर आए 1/2 इंच इधर, और इसे ऐसे मिला देंगे। फिर इस साइड से भी वैसे ही मिला देंगे। हमारा 2 प्लेट लग गया। अब एक 3 प्लेट यहाँ लगेगा, तो ये दोनों का मिडिल पॉइंट ऐसे निकालिए, सबसे इजी है, और इसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये 3 प्लेट हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे वो देखिए। पहले हम बैक पोर्शन को काटते हैं इसमें से, फिर फ्रंट। अच्छा, फिटिंग भी लगा लेते हैं। अब हमारा जैसे 6 यहाँ पे 36 है, तो 9 इंच हमको चाहिए फिटिंग के लिए। ये हम प्लेट देने के बाद 9 इंच जहाँ आएगा वह हम ऐसे लगा देंगे ऐसे। फिर कमर है आपका 32, तो 8 आया, तो ये भी हम 8 यहाँ लगा दिए, और फिर इससे ऐसे मिला देंगे। ये आपका फिटिंग लाइन है, ये कटिंग लाइन है। ठीक है, अब इसको हम काटते कैसे हैं देखिए। कटोरी कट के लिए ये बीच का जो पॉइंट हम लगाए हैं, प्लेट लगाए हैं, उससे हम 2.5 इंच नीचे एक लाइन लगाएं, और इसे ऐसे सीधे मिला दीजिए, और थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 पीस, एक ये पीस हो गया और एक ये हो गया। बॉम्बे कट के लिए यहाँ से एक आपका 2.5 इंच पे लगा सीधा, और फिर 1/2 इंच राउंड ऐसे कर देते, ये पीस अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये बॉम्बे कट की कटिंग है। पहले हम लोग बैक पोर्शन को काट लेते हैं। ये बैक पोर्शन कट गया। अब इसी को रख के हम कटिंग कर लेंगे। इसे उठाइए और इसे ऐसे कीजिए, देखिए इसी को रखेंगे ऐसे। सेम चीज, दाग उठा लेंगे हम लोग। ये जो पार्ट्स हैं इसे हम लोग छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पट्टी में लग रहा है, इसीलिए इसे ऐसे नीचे कर लेंगे और जैसे वैसे दाग उठा लेंगे। ये देखिए जैसे हो गया, ये हो गया, और यहाँ तक जो फोल्ड है यहाँ तक ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन आ गई। ये हमारा बैक पोर्शन का इसी से दाग लग गया, इसको अब उठा लेंगे हम लोग ऐसे
हटा देंगे। अब हम नेक लाइन लगाएंगे। देखिए यहाँ 2.5 इंच हम लगाए थे, वो 2.5 इंच लगा लिए। अब फिर यहाँ से हमको बैक नेक चाहिए 9 इंच का, तो हम लोग ये 9 इंच का यहाँ से लगा लिए। एक हम 3 इंच पे भी लगाएंगे, हमको ये ऐसे। अब फिर यहाँ से 3 इंच और इसको ऐसे, ये हो गया। और फिर यहाँ हमारा शोल्डर आर्म तो था ही, इसे अब यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा बैक पोर्शन हो गया हमारा। पॉट नेक है घड़ी के स्टाइल में, ठीक है। अब यहाँ प्लेट भी लगता है, देखिए 4 पे लगाएं, जैसे फ्रंट में लगाए थे वैसे ही। ऊपर खाली 5 इंच रहेगा और ऐसे 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच दूसरे साइड से। इसको हम लोग काट लेंगे। ये हो गया। अब इसको फ्रंट नेक को, अब हम लोग, ये तो बैक पोर्शन हो गया, अब इसका फ्रंट को भी डीप कर लेंगे। देखिए ये कैसे कटिंग होगा। ये तो नेक लाइन हो गया फ्रंट का, 6 इंच हम लोग का है। फिर ये फ्रंट का ये आर्म होल हो गया, कट गया। हमको 2 बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, एक ही बार में हो गया। इसे भी हम, क्योंकि हम ये कटिंग करेंगे इसके लिए ही हम 1 इंच ये बढ़ाए हैं, क्योंकि स्टिच में जाता है। फिर इस तरह से कट कर लें। तो ये 2 पीस हो गया, फ्रंट आपका और ये बैक पोर्शन हो गया आपका। इस तरह से ये हो गए आपके, इस तरह से, ठीक है। या हाथ काटेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को इस तरह मोड़ दिए, 2 बार हुआ, फिर एक बार और मोड़ेंगे। हम लोग का 6.5 है आर्म होल, तो उसमें 1.5 इंच बढ़ा दीजिए, तो आपका कितना आया, 7.5 इंच आ जाएगा। तो ये हम ऐसे ले लिए। सबसे पहले ये देखें कि 8 इंच आना चाहिए, 8.5 आ रहा, सही है। अब हम लोग हैंड लेंथ हमारा यहाँ पे देखिए 5 है, ये जितना रहेगा उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिएगा। तो 5 है तो हमारा 6 हो गया है, 1 किए तो ये 6 आया, हम ये 6 लगा लिए, ठीक है। और फिर इसे भी 8 पे लगा लिए। और हम वहाँ 3.5 किए थे, 3.2 किए थे, वही चीज़ यहाँ भी लगता है। और इसे ऐसे मिलाते हैं, ऐसे देखिए हो गया। आर्म होल आपका है 7 इंच, तो ये हम लोग यहाँ 7 इंच लगा लेंगे, ठीक है। और इसे भी ऐसे मिला दिए। फिर
फिटिंग लाइन एक मिलाइए और फिर इसे काट लेंगे। कट गया। अब स्टिच कैसे करते हैं वो देख लीजिए, बहुत ही इजी है। ये जैसे है हम दूसरी साइड भी इसी तरह डार्क करके कार्बन या किसी तरह हम दूसरी साइड भी डार्क को ऐसे डार्क करके इसको ऐसे कीजिए और इस तरह से पलट दीजिए और ऐसे थपथपा दीजिए तो आपका वो आ जाता है प्लेट का दाग। देखिए आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ऐसे, ये डार्क कर लिए दोनों साइड हो गया। तो पहले हम ये बीच वाला सिलेंगे ये, फिर हम लोग ये सिलेंगे, फिर ये, ठीक है। इस तरह प्लेट लगा लेंगे, प्लेट लगाने के बाद हम ये कट कर देंगे। अब हम लोग पहले बैक नेक को बना लेंगे। इसके लिए हम ये जो बचा हुआ कपड़ा था उसको सीधा साइड फ्रंट साइड रखेंगे और जो ये नेक बनाना है उसे बैक साइड रखेंगे। इसको ऐसे इस तरह से हम लोग सिलेंगे। तो हम पहले यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए पूरा ये पूरा सिल लेंगे इसे। थोड़ा सा हाथों से एडजस्ट करते जाएंगे इसे। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे जैसे जैसे हम स्टिच किए हैं वो हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये काट लीजिए, इसे हटा दीजिए, ऐसे ऐसे करिए और जितना हमको मोने का कपड़ा चाहिए उतना रख के इसको हम लोग मान लीजिए इतना चाहिए मोने के लिए। इस तरह आप दाग लगा लीजिए, नहीं समझ में आता है तो ऐसे ऐसे करके और फिर हम लोग इसको कटिंग कर देंगे जो दाग लगा रहे हैं उसी पर ऐसे। वन इंच जैसा रख के ऐसे कटिंग काट लें, फिर इसे ऐसे कटिंग करके पूरा ऐसे मोड़ लें। इस तरह ये पूरा, अब फिर हम इसको पतले से इस साइड से ऐसे करके पूरा हेम कर लेंगे, ये ऐसे तैयार हो जाए।
ये तीनों प्लेट्स को लगा लेंगे, ये फ्रंट से लेंगे हम, ये यहाँ से बीच से मोड़ के ये दोनों फिर ये लगा लेंगे, फिर ये बीच से इसका कट कर देंगे। दूसरे साइड का भी प्लेट पूरा लगा के और बीच से ऐसे हम लोग काट लेंगे बराबर करके। आ गया, इसको हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे का है इस बीच में जॉइंट है इसे भी काट लेंगे ऐसे। ये ऐसे जुटे हुए इसको जोड़ने के लिए हम लोग उसको ऐसे पलट देंगे और यहाँ से ऐसे सिल दें, यहाँ से यहाँ स्टिच कर दें। तैयार हो गया, अब यहाँ बटन पट्टी हम लगा लेंगे और बाकी जैसे ब्लाउज सिलते हैं उस तरह से सिल लेंगे।